प्यार दुनिया का सबसे आम और सबसे खास एहसास। अब आम इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में साल के 365 दिन 2400 घंटे आपको ये चीज आपके आसपास दिखाई देगी, और खास इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में प्यार को लेकर कितना कुछ हुआ है। वॉर्स लड़ी गई हैं, लोगों ने मॉन्यूमेंट्स तक बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार के कॉन्सेप्ट से और उसकी इंटेंसिटी से डरते हैं। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज से डरते हैं या तो हम उससे बहुत दूर भाग जाते हैं या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। जी हाँ, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास का नया शो, ये है आशिकी। एक ऐसा नया शो जिसमें हर हफ्ते मैं विक्रांत मैसी आप तक उन लोगों की कहानियां लेके आऊंगा जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के अपने प्यार को पाया। वो कहानियां जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। हमारी आज की कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसकी अपनी खुद की लव स्टोरी कुछ ऐसी है। आइए मिलते हैं फिर से। ओए चिकने, अरे आजा, अरे मेरे राजा। ये कहाँ पे आ गए हम? अरे यार, यहीं पे आने को तेरे ताऊजी से परमिशन ली है। तूने ताऊजी से इस चीज के लिए परमिशन ली? आर यू मैड? अरे तो क्या हो गया, चिल्ला। Come on यार विनय, यही तो मेन पार्ट है डॉक्यूमेंट्री का, ये भी तो देख ले दिल्ली की नाइट लाइफ। नहीं यार, दिस डजंट फील गुड। यार ये फील गुड वाली बातें करना बंद कर दे यार, ये चीज हमको टॉप मार्क्स दिलाएगी। और तू डर क्यों रहा है यार? मैं डर नहीं रहा हूँ यार, फिर भी ग्रो अप यार विनय। तू क्या काम करेगा हॉलीवुड जाकर? अंदर तक तो चला नहीं जाता तेरे से, चल अंदर। यू गाइस कैरी ऑन यार, मैं यही ठीक हूँ। कम ऑन यार। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब आपने कहा है तो करना ही पड़ेगा। वैसे बात गलत है, आपने पूछा नहीं था हमसे। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो नमस्ते। हाँ एक्चुअली हम हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आए थे, तो आपसे और आपसे कुछ लड़कियों से कुछ सवाल पूछने थे। हाँ हाँ, फोन आया था मुझे थाने से। देखो हम इस तरह की चीजें करने नहीं देते हैं। वैसे कुछ फोटो भी खींचनी थी हमें। फोटोएं भी खींचनी है? चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ उन लड़कियों की जो फ्री है, जो बिजी है ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। Thank you so much. Thank you. एक मिनट सुनो, किसी के कमरे में मत घुस जाना, वरना ऐसी फोटो आएंगी ना तुम्हारे टीचर। समझ गए ना? Thank you, अम्मा जी. ठीक है, चलो फोटोएं खींचनी। ओए तुझे नहीं खींचनी फोटो? जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। शर्मा रहा है? ठीक। हाँ जी। ओहो, अंदर चलो सबके सब, अंदर जाओ, चलो अंदर। भीगेगा नहीं कोई भी, खांसी जुकाम हो जाएगा ना, मेरी जान तो पंगा डाल दोगे सबके सब मिलके। जाओ अंदर सब, चलो। ले लो,
ठंड लग जाएगी। थैंक यू। अरे वहाँ खड़े खड़े भीग क्यों रहे हो? एक काम करो ना, अंदर आ जाओ, तुम्हारे दोस्त भी तो अंदर ही है। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं उनकी यहीं वेट कर लूंगा, अंदर बहुत सारे लोग होंगे ना। तो मेरे कमरे में आ जाओ, वहाँ कोई नहीं है। नहीं। मैं अच्छी नहीं लगी क्या? आप बहुत सुंदर हैं, बट मैं ऐसी जगह नहीं आता। अरे ओ, वो ऐसी वैसी जगह नहीं है, मेरा कमरा है कमरा, और वहाँ कोई नहीं आता। चलो तुम कहो तो वहाँ पर मैं भी नहीं आऊंगी, खुश? अरे तुमसे कोई चार्ज नहीं लूंगी, अब तो आ जाओ डरपोक। अरे आ जाओ ना, वहां से ऊपर आ जाओ। ओके। मेरा नाम सपना है, तुम्हारा? विनय। कुछ लोगे? नहीं। गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? हाँ है ना, कॉलेज में। करते क्या हो? मास मीडिया पढ़ रहा हूँ। खड़े क्यों हो, बैठो ना। ओके। कॉलेज बड़ा मजा आता होगा ना? पता है मैं भी सोचती हूँ, काश मैं भी कॉलेज जा पाती। तुम आपने स्कूलिंग की है? एक मिनट, तुम मुझे तू बुला सकते हो? हाँ एक काम करते हैं, तू ठीक है? ठीक है। हाँ मैंने पढ़ाई की है, पता है जब मेरी मम्मी थी ना तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की, लेकिन जब वो चली गई तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई, फिर मैं यहाँ गई। तुम इतना कुछ कर सकती थी पर यहाँ अटकी हुई हो, और फिर भी इतनी खुश हो। खुश का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ना हंसना बहुत अच्छा लगता है। अब गुस्सा करने से रोने से चीजें बदल थोड़ी ना जाएंगी, इसीलिए मस्त रहो खुश रहो। और तू बता कौन है वो तेरी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका? नताशा, उसका नाम नताशा है। पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो दोस्त भी नहीं है, वो तो मैं ही उसके पीछे पागलों की तरह बस। अरे ये क्या बात हुई, तो उसे बात करो ना जाके। इतना आसान थोड़ी ना है। बहुत आसान है, लड़कियों को पटाना बहुत आसान है। एक मिनट मैं बताती हूँ, तुम अभी तक उसके सामने कैसे रहते थे? मेरे दोस्त कहते हैं मजनू की तरह, जैसे वो मेरे सामने आती ना सब भूल जाता हूँ, बस उसी को देखता रहता हूँ। अच्छा वही काम करना, उसको बिल्कुल भी मत देखना। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, अरे देखो जो लड़कियां होती ना उन्हें तुम जितना भाव दोगे वो उतना तुमसे दूर भागेंगी, और जितना कम भाव दोगे तुम्हारे पास आएंगी। देखो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी वाली ना ऐसी होगी, मुझे पता है। पर अगर वो सामने से बात करने आ गई तो? पहले इतना तो होने दो, उसके बाद आगे क्या करना है बताऊंगी ना। ओके, पर शायद मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। देखो ये ले मेरा मोबाइल नंबर, जब लड़की तुझसे बात करे ना तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है। बारिश रुक गई है, जा नहीं रुकेगा। ओके थैंक यू। Last night I was seeing the website of New York Film School. अरे यार वो What देखो नताशा आ गई। What place यार? Hi guys. That's the place to go and study. What college? What campus? Hi Vinay. Hi. That is the place to go and study. The fees is around $30,000, but I'm gonna go there. Hello. कौन बोल रहा है? सपना मैं विनय, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आया था ना। आहा विनय बाबू, तुझे मेरी याद आ गई। तुम्हारे कहने पे मैंने नताशा को फुल इग्नोर किया। हाँ। इतना इग्नोर किया कि उसने मुझे खुद सामने से आके हाय बोला। Can you believe it? सही है। मतलब तेरी गाड़ी पटरी पे तो आ गई। अभी काम करते हैं, उसे बातचीत बढ़ा, उसे घुमा फिरा, उसे पिक्चर दिखाने लेके जाना, पूरा दिन उसके साथ गुजार, उसे ऐश करवा। सपना और विनय की बातचीत
नताशा के कारण शुरू हुई थी और विनय और सपना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सपना के प्रोफेशन से आने वाली किसी भी लड़की से शायद कोई इतनी दोस्ती बढ़ाता, बट आई गेस कि विनय भी अलग था, हटके था। बहुत मजा आया, इट वॉज परफेक्ट, बिल्कुल नताशा की तरह। अच्छा और क्या हुआ, कुछ बातें की? हाँ हुई ना बात, पर मोस्टली वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड मतलब पुराने। ए मुझे इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, आगे बोल। सॉरी। हाँ तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही थी कि वो उसे कितना प्यार करते थे और क्या क्या गिफ्ट्स देते थे। यू नो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स, उसे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। हेलो हेलो सपना, अरे तुम चुप क्यों हो गई? सपना तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, प्लान तो तुम्हारा ही था। सुन बात मानेगा मेरी? हाँ ऑब्वियसली, लुक व्हाट यू डिड। छोड़ दे उसे। अरे इतनी मुश्किल से तो वो, बट व्हाई? तू पहली बार उसके साथ बाहर गया, उसे तेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ जानने की कोशिश की, तू कैसा है, तू क्या करता है, कुछ पूछा उसने? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने वाले के बारे में बता रही थी कि उसने उसके लिए कितने खर्चे किए, कितने गिफ्ट लेके आए, कि वो तुझसे भी यही चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, नताशा वैसी लड़की है ही नहीं। तो मुझे भरोसा नहीं करेगा ना, अपनी आंखों से दिखेगा यकीन हो जाएगा। तो एक काम कर, तू ना उसको दोबारा से बुला, उसे कहीं बाहर लेके जा और ना बातों बातों में उसको ये बोलियो कि जो तेरे दोस्त है ना उसका बाप बहुत अमीर है, उसने ना अभी अभी तेरे दोस्त को एक नई गाड़ी दिलाई है। पर मैं उसे ऐसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे एक बार झूठ बोलने में क्या जाता है? देख तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है और मुझे लगता है कि वो तेरे पैसों से प्यार करती है, तो साफ हो जाएगा ना, तू सही है मैं सही। सपना नताशा वैसी लड़की नहीं है जो कि पैसों के पीछे भागे। चल देखते हैं। मेरे फ्रेंड्स ना मुझको मजनू बुलाते हैं यार, अब करूं क्या, तुम हो ही इतनी गॉर्जियस। और यू नो मैं हमारी नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आई वाज थिंकिंग वी विल गो फॉर अ ड्राइव। मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना सचिन, ही जस्ट बॉट अ सुपर कूल सुपर एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार, तो प्रोबब्ली आई विल आस्क फॉर हिज कीज और हम ड्राइव पे जाएंगे। स्पोर्ट्स कार? गॉड वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है ना। हिज डैड इज डैम रिच, फिल्दी रिच। रियली सचिन? विनय सपना के पास गया था अपना प्यार पाने और वैसा हुआ भी, बस जैसा उसने इमेजिन किया था उससे थोड़ा सा अलग हुआ। यार तुझे कुछ बताना था यार। क्या? तेरा और नताशा का चल रहा है क्या? क्यों? यार शी कॉल्ड मी रात को एंड देन शी सेड कि चलो ड्राइव पे चलते हैं और फिर हम मनेसर हुआ एंड देन वी किस्ड यार। एक्सक्यूज मी? जी वो मुझे सपना से बात करनी थी। ओए तो वो ही है ना, क्यों उस दिन तो अंदर भी नहीं आना चाहता था और आज अकेले आ गया। शाबाश, और आते ही सीधा काम की बात, वेरी गुड। जी मुझे सिर्फ बात करनी है। हाँ तो तू सिर्फ बात ही करना सपना, ले जाए से सिर्फ बात करनी। थैंक यू। क्या हुआ लड़की का? तुमने सही कहा था, नताशा एकदम वैसी निकली। I was so wrong यार, एक नंबर का उल्लू हूँ मैं। क्या? अब वो सचिन के पीछे पीछे घूम रही है उसकी स्पोर्ट्स कार में ड्राइव मारने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? कैसे पता था? अरे इतने सालों से इतने लोगों से मिल रही हूँ, मुझे आइडिया हो गया, बस बोल दिया तुझे। I wish मुझे भी पता चल जाता कौन कैसा है। सुन हाँ एक बात पूछूं? क्या? तो आगे क्या चाहता है? मतलब अरे मतलब तू आगे जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? हो मैंने ना फुल प्लान किया हुआ है, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में स्कॉलरशिप और उसके बाद हॉलीवुड में फिल्में बनाऊंगा, लाइफ सेट है मेरी। सही है यार। तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है लाइफ में? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों नहीं पड़ता बताओ? मेरे सपने कौन से पूरे होने वाले हैं? जो मैं चाहती हूँ मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई, मैं बता दूं तुम्हें मिलेगा कि नहीं, तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या? आजादी। आजादी, आजादी। You mean freedom? ये भी कोई चीज़ है विश करने वाली? पागल। अबे ओए, तेरे लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए है। तुझे पता है क्या, जो ये घर है ना ये सिर्फ नाम का घर है, यहाँ आजादी नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, बाहर जाना चाहती हूँ मैं, घूमना चाहती हूँ, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहती हूँ,
कपड़े खरीदना चाहती हो, ढेर सारे आइसक्रीम खाना चाहती हो, जो लंबी वाली गाड़ी होती है ना जिसकी छत खोलती है, उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, जोर से चिल्लाना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ मैं, आजादी, फ्रीडम। मिलेगा। दो अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे and it was very beautiful. और शायद इसे ही दोस्ती कहते हैं। इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? अरे अभी तो आधी लड़कियाँ सो रही हैं। मुझे और किसी से कोई काम नहीं है, बस सपना चाहिए पूरे दिन के लिए। कितना होगा पूरे दिन का? 10,000। 24 घंटे का 10,000 है इतना तेरे पास? मैं पैसे लेके आता हूँ। ऐसे ही तो क्या हुआ, लैपटॉप ही तो है, एक गया दूसरा आ जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरा डे स्पेंड करना था उस जगह से बाहर, और वैसे भी तुम्हारे फ्रीडम के सामने लैपटॉप इज नथिंग। अच्छा तो कौन से होटल में चलेगा? क्या कौन से होटल में चलेगा मतलब? कहाँ चलेगा? तू बोल लेके जाएगा मुझे? चले नताशा, उस पे पूरा बिल्कुल लट्टू था और पूरा बास्केटबॉल मैच हरा दिया हमको। कैसा लगा तुमको बॉल? अच्छा था। क्या कर रहे थे आप? अबे तेर को देख के नहीं बोल रहा था, वो अपनी अम्मा के आइटम है ना। तो तमीज नहीं लड़कियों से कैसे पेश आते हैं? अबे वो लड़की नहीं है। तेरी तू क्या बोला? क्या बोला साले? तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसे बात करेगा? ऐसे बात करेगा? तेरी मुंह तोड़ूंगा साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दे। हिम्मत कैसे हुई साले? साले तेरे को तमीज मैं सिखाता हूँ। अरे अरे रुकना यार, एक मिनट रुकना। अरे छोड़ दे छोड़ 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 अरे चुप चल। Thank you.
सो सॉरी यार, उस एडिट के चक्कर में अपना मूड मत खराब करना, और ना ही इस एडिट के चक्कर में। छोड़ना यार, मैं ही थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, पर तुझे क्या हो गया था? तूने उसे ऐसे मारा क्यों? वो कोई पहला बंदा नहीं था जिसने मुझे इस तरह से बुलाया। वो बात नहीं है, तुम यहाँ जो भी करती हो तुम्हारी मर्जी से होता है, पर जो उसने किया वो गलत था। किसी को भी हक नहीं है तुम्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने का, मुझे भी नहीं। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो, है बावरी क्या गया यार? मैंने आज तक तुझे इस तरह किसी को मारते नहीं देखा। आई थिंक यू लव हर यार। मामले क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स के लिए कोई इतना पोजेसिव नहीं होता। और इतने टाइम से तू हमें नताशा के बारे में बता रहा था, एंड देन व्हेन आई किस दैट गर्ल नो रिएक्शन, और उस गार्ड ने तो सपना को छेड़ा और तू उसे मारने लग गया। दिस इज लव भाई। अम्मा, क्या हमें हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिल सकती? जरूर मिल सकती है, अगर हम बिना हाथ पैर मारे सिर्फ हमारी किस्मत में जो लिखा है उसे साथ लेकर चलें तो खुशी ही खुशी। लेकिन जब हम ये फालतू के सपने देखने लगते हैं ना, तब सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन अम्मा, जब तक हम कुछ मांगेंगे नहीं तब तक हमें वो कैसे मिलेगा? जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब यहाँ एक आदमी आया करता था। धीरे धीरे वो रोज आने लगा, हम मिलते रहे और मैं उसके प्यार में पड़ गई। वो कहता था मुझसे शादी करेगा, कहता था तेरे लिए घर खरीदूंगा, उसमें हम दोनों साथ रहेंगे, और मैंने उसकी हर बात पे विश्वास कर लिया। अपना सारा पैसा मैंने उसके हाथ में दे दिया। प्यार दुनिया का सबसे आम और सबसे खास एहसास। अब आम इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में साल के 365 दिन 2400 घंटे आपको ये चीज आपके आसपास दिखाई देगी, और खास इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में प्यार को लेकर कितना कुछ हुआ है। वॉर्स लड़ी गई हैं, लोगों ने मॉन्यूमेंट्स तक बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार के कॉन्सेप्ट से और उसकी इंटेंसिटी से डरते हैं। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज से डरते हैं या तो हम उससे बहुत दूर भाग जाते हैं या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। जी हाँ, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास का नया शो, ये है आशिकी। एक ऐसा नया शो जिसमें हर हफ्ते मैं विक्रांत मैसी आप तक उन लोगों की कहानियां लेके आऊंगा जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के अपने प्यार को पाया। वो कहानियां जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। आज की कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसकी अपनी खुद की लव स्टोरी। प्यार दुनिया का सबसे आम और सबसे खास एहसास। अब आम इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में साल के 365 दिन 2400 घंटे आपको ये चीज आपके आसपास दिखाई देगी, और खास इसीलिए
क्योंकि दुनिया भर में प्यार को लेकर कितना कुछ हुआ है। वॉर्स लड़ी गई हैं, लोगों ने मॉन्यूमेंट्स तक बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार के कॉन्सेप्ट से और उसकी इंटेंसिटी से डरते हैं। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज से डरते हैं या तो हम उससे बहुत दूर भाग जाते हैं या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। जी हाँ, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास का नया शो, ये है आशिकी। एक ऐसा नया शो जिसमें हर हफ्ते मैं विक्रांत मैसी आप तक उन लोगों की कहानियां लेके आऊंगा जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के अपने प्यार को पाया। वो कहानियां जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। हमारी आज की कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसकी अपनी खुद की लव स्टोरी कुछ ऐसी है। आइए मिलते हैं फिर से। ओए चिकने, अरे आजा, अरे मेरे राजा। ये कहाँ पे आ गए हम? अरे यार, यहीं पे आने को तेरे ताऊजी से परमिशन ली है। तूने ताऊजी से इस चीज के लिए परमिशन ली? आर यू मैड? अरे तो क्या हो गया, चिल्ला। Come on यार विनय, यही तो मेन पार्ट है डॉक्यूमेंट्री का, ये भी तो देख ले, दिल्ली की नाइट लाइफ। नहीं यार, दिस डजंट फील गुड। यार ये फील गुड वाली बातें करना बंद कर दे यार, ये चीज हमको टॉप मार्क्स दिलाएगी। और तू डर क्यों रहा है यार? मैं डर नहीं रहा हूँ यार, फिर भी। ग्रो अप यार विनय, तू क्या काम करेगा हॉलीवुड जाकर? अंदर तक तो चला नहीं जाता तेरे से, चल अंदर। यू गाइस कैरी ऑन यार, मैं यहीं ठीक हूं। कम ऑन यार। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब आपने कहा है तो करना ही पड़ेगा। वैसे बात गलत है, आपने पूछा नहीं था हमसे। हाँ चलो ठीक है ओके। हेलो नमस्ते। हाँ एक्चुअली हम हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आए थे, तो आपसे और आपसे कुछ लड़कियों से कुछ सवाल पूछने थे। हाँ हाँ फोन आया था मुझे थाने से। देखो हम इस तरह की चीजें करने नहीं देते हैं। वैसे कुछ फोटो भी खींचनी थी हमें। फोटोएं भी खींचनी है? चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ उन लड़कियों की जो फ्री हैं, जो बिजी है ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। Thank you so much. एक मिनट सुनो, किसी के कमरे में मत घुस जाना, वरना ऐसी फोटोएं आएंगी ना तुम्हारे टीचर। समझ गए ना? थैंक यू माजी। ठीक है चलो, फोटोएं खींचनी। ओए तुझे नहीं खींचनी फोटो? जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। शर्मा रहा है? ठीक। हाँ जी, कहीं तेरे साथ भी वैसा ना हो जो मेरे साथ हुआ था बेटा। वैसे वो लड़का तो अच्छा है बेचारा। हाँ अम्मा, बहुत अच्छा लड़का है। आपको पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मा मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अम्मा मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अम्मा अम्मा बताओ ना, आप मेरी मदद करोगी ना? आप मुझे यहाँ से जाने दोगी ना अम्मा? मना किया था ना मैंने तुझे, ऐसे फालतू सपने नहीं देखना। मना किया था ना तुझे मैंने, तुझे मना किया था ना ऐसी गलती करने के लिए। कहाँ तो पछताएगी? तुम लोगों की अक्ल में ये बात घुसती नहीं है। इतने पैसे खर्च करके मैंने तुझे बड़ा किया है, फालतू में क्या? प्लीज ताऊजी, अगर आपको डैड का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना है तो आई डोंट वांट टू टॉक। मैं तो ये कह रहा था कि ये कोई तुम्हारी उम्र है लव शव करने की? अरे भाई इस उम्र में तो पूरी मस्ती होनी चाहिए। इमेजिन यूएस में जाओगे तो कितनी फ्रीडम होगी। फ्रीडम? हाँ सपना का फ्रीडम लेके मैं अपने फ्रीडम का क्या करूंगा बताइए।
सपना इज नॉट अ नॉर्मल गर्ल. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गर्ल? क्या उसके तो हाथ पांव नहीं है, आंख नहीं है, दिल नहीं है? क्या वो जिंदा नहीं है? ताऊजी आई लव हर और मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वो कौन है, ना कि इसलिए कि वो क्या है. और ये इसका क्या, जो यूएस का स्कॉलरशिप है? इस वक्त इसे कुछ भी समझाना मुमकिन नहीं है, बहुत कुछ समय इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये तुम सोचो. ये सिचुएशन भी आप ही ने खड़ी की है भाई साहब, इसे परमिशन लेके आप ही ने भेजा था ना वहां पर, और अब इसे एक सेक्स वर्कर से प्यार हो गया है. प्यार माय फुट. भाई साहब 25 साल पहले जो गलती आप ऑलमोस्ट कर चुके थे, ये उसी रास्ते पर चल रहा है. इडियट कहीं का. विनय, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू यूएस जाएगा. मैं कहीं नहीं जाऊंगा. शराब देखता हूं कैसे नहीं जाता तू. तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, एज लॉन्ग एज यू आर अंडर माय रूफ. ऐसा कहते हैं कि प्यार अंधा होता है. अब सुनने में ये शायद एक्सट्रीम लगे, पर शायद सही भी है, क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता. और अम्मा के पास लेकर जा. आजा भाई. सपना. विनय, मेरे अम्मा को सब पता चल गया. सपना, मैं अमीन सबसे दूर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी. लेकिन विनय कैसे? अम्मा ने मुझे कमरे के अंदर बंद करके रखा है, वो मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देगी. सपना कोई आ रहा है. विनय, विनय तुम जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख लेगा तो. सपना मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा. तुम क्या बोल रहे हो, कोई तुम्हें देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से. एक काम करो, तुम दरवाजा खोलो. विनय दरवाजा नहीं खुलेगा, वो जाम हो रखा है, तुम जाओ. रुको मैं कुछ करता हूँ. विनय तुम जीना भी फिर दुश्वार हो, किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई रोक ले, इश्क के जुनून रुके नहीं है बावरी. ए रुक रुक, जा मत लग ला जा. गुस्ताख से मुझे प्रेस करती हूँ. 1 2 3 अम्मा क्या हुआ? भागो, तू यहाँ क्यों खाया? जा पकड़ उसको जाके. Hey!
ए रुको, कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? वो क्या, वहां तो कोई नहीं है। वहां कोई नहीं है। आईडी निकाल, आईडी निकाल। विनय, तुम इस वक्त यहां? चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो मैंने कहा। हेलो भाई साहब, विनय घर छोड़ के भाग गया है। देखिए देखिए आपके लाड़े की करतूत, एंड आई एम श्योर कि वो वहीं उस लड़की के पास गया होगा। वो दोनों इस वक्त मेरे साथ ही हैं, यहीं पे गाड़ी में। देखा, जानता था मैं। पता नहीं उस लड़की ने उस पर क्या डोरे डाल दिए हैं, क्या पट्टी पढ़ा दी उससे। वो मुझे छोड़ के चला गया, अपने बाप को। भाई साहब, उस लड़की को आप, उस लड़की को विनय की जिंदगी से दूर कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। अब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद धीरे धीरे विनय सब कुछ भूल जाएगा, नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। 25 साल पहले जो दुख आपकी वजह से फैमिली को पहुंचा था, उसे ठीक करने का यही एक तरीका है। यू ओ दिस टू द फैमिली, पिताजी के लिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये सामने बस स्टॉप देख रहे हो, ठीक 15 मिनट के बाद यहां से जयपुर की बस निकलने वाली है। इससे पहले कि तुम दोनों को यहां कोई देख ले या रोक ले, भाग जाओ यहां से। नई दुनिया बसाओ, नई जिंदगी शुरू करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये दुनिया कभी तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। मैंने भोगा इसको। 25 साल पहले जो काम मैं नहीं कर पाया ना, आज तुम लोगों को मौका देता हूं। भाग जाओ इनसे। किसकी विनय और सपना एक अलग ही शहर में जाके बस गए। विनय ने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया और उन दोनों ने अपनी ही एक छोटी सी दुनिया बना ली। कि सपना के बैकग्राउंड वाली लड़की से शादी करने के गट्स हर किसी में नहीं होते, लेकिन विनय में थे। और आज वो जब भी सपना को देखता है आजाद खुश, तो वो शुक्र मनाता है कि उसने ऐसा किया। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमारी आज के रियल लाइफ कपल ने भी एक्सपीरियंस की। हालांकि उस शख्स की गर्लफ्रेंड कुछ कारणों से टेलीविजन पर नहीं आ पाई, लेकिन उस शख्स के डेयरिंग एटीट्यूड ने उसे टेलीविजन पे आके एक्सेप्ट करने से नहीं रोका। हम दोनों 3 साल पहले मिले थे, दोस्ती कब प्यार में बदली पता नहीं चला। एक दिन मुझे पता चला कि वो पैसों के लिए गलत काम करती थी। मुझे बुरा तो काफ़ी लगा, लेकिन सच्चाई जान के पता चला कि उसने ये सब अपनी मजबूरी के कारण किया। उसके माँ बाप की बीमारी और पैसों की कमी से वो काफ़ी परेशान थी। मगर नीलू दिल की बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हालांकि
मुश्किलें ज़रूर आईं, लेकिन प्यार में अगर साथ हो तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं। आज नीलू और मैं बहुत बहुत खुश हैं और साथ हैं, और तो और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। ऐसे ही कुछ और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड लव स्टोरीज लेकर आता रहूंगा मैं। मुलाकात होगी आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। ये आशिकी।